की रफ्तार। योगेश मंथन कहाँ है? वो तो चला गया। कहाँ? पता नहीं, कुछ कह के नहीं गया, दो मिनट पहले ही गया है, कह रहा था कहीं काम से जाना है। God. क्यों, क्या हुआ? योगेश एक बहुत जरूरी न्यूज मिली है। बंगाल में तूफान से उजड़े हुए लोगों के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया था उसका गबन किसी और ने नहीं, डीएम ने ही किया है। मुझे पहले से ही शक था, तुम इसकी हेडलाइन बना दो। हाँ लेकिन सबूत हमारे पास नहीं है, विलास जी के पास है। ये बात मुझे अपने वफादार पत्रकार पद्माकर जी ने बताई। तो ठीक है, मंथन फोन तो करेगा ही। हाँ वो फोन करेगा लेकिन उसे सबूत इकट्ठे करते करते एक दिन तो लग ही जाएगा ना, और ये न्यूज कल ही जानी चाहिए। मैं पद्माकर से बात करता हूँ। अब हर डीएम को फंसाने का ये सुनहरी मौका है, पद्माकर हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ वो यकीनन ये काम करेगा। और अगर हमें प्रजासत्ताक से सबूत सहकार तक लाने में कुछ भी करना पड़ा ना तो हम जरूर करेंगे। अब जंग में सब जायज है यू नो। मैं पद्माकर जी से मिलती हूँ। दरअसल ये खबर प्रजासत्ताक की हेडलाइन होनी चाहिए लेकिन विलास जी इसे कभी नहीं छापेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये न्यूज सहकार की हेडलाइन बने। तो कल के प्रजासत्ताक में विलास राज हमारे खिलाफ कुछ छाप रहा है? जी हाँ जेम साहब, आप हंस रहे हैं, आपने मेरी बात को मजाक में ले लिया है। देखो भाई एसके, ऐसी खबरें हम जैसे नेताओं के बारे में रोज छपती हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं, और हम भी इन बातों को गंभीरता से ना लेते हैं और ना आगे चलकर लेंगे। भाई ये तो आजकल के अखबारों का फैशन बन गया है कि जब भी कोई घोटाला हो तो ले लो हम जैसे बड़े नेताओं का नाम। जनता भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी बात है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी खबरों में आपका नाम आए ही क्यों? मैं ये नहीं कहता कि आप ये शुभ कार्य ना करें, ये वो तो मुमकिन ही नहीं है हम लोगों के लिए। ऐसे कार्य भाई कैसे कार्य? सफल कुमार तुम्हारा मतलब क्या है भाई? डीएम साहब, इस बंदे को जितना आप बेवकूफ समझते हैं उतना नहीं है। आप जो शुभ कार्य करते हैं उससे इसके नावाकिफ हो ये नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि आप जिस सफाई से काम करते हैं आप पर किसी को शक नहीं होता। खैर, आज जब मैं विलास राज से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि प्रजासत्ताक जैसे बड़े अखबार से अपनी दोस्ती को कायम रखना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। आप इन्हें दोस्ती करने की सलाह दी थी मुझे, याद है? सबल कुमार, हम बुढ़िया नहीं गए हैं भैया, हमें सब याद है। यही सलाह आज मैं आपको दे रहा हूं। विलास राज ने मेरी बात मानने से तो इनकार कर ही लिया, शायद मेरा अंकुश उतने बड़े हाथी को काबू में नहीं कर पाया, लेकिन आप उस हाथी को आराम से काबू में कर पाएंगे। भैया इसके, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप विलास राज से दोस्ती कर लीजिए। आखिर हमारा मकसद क्या है? राजकर्म, पावर, राजनीतिक पावर आपके पास है, पैसे का पावर मेरे पास है, और अखबार का पावर विलास राज के पास है। अगर ये तीनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तीनों इकट्ठे हो जाएं, तो हमारे अश्वमेघ को कोई नहीं रोक सकता। भाई वाह सबल कुमार, वाह भाई वाह, वाह वाह। जो बात हम सिर्फ सोच रहे थे वो तो तुमने कह डाली। और भैया तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है, हम भी सोच रहे थे कि ये दोस्ती कैसे जमाई जाए। एक नेता के लिए एक अखबार से दोस्ती होना बहुत जरूरी है। प्रजासत्ताक हमारा लाख दुश्मन सही, मगर भैया है तो बहुत ही बड़ा अखबार। इतने बड़े अखबार की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि आप तो जानते हैं
कि विजय राज और विलास राज की आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती। योगेश और विलास राज में भी दुश्मनी है। विलास राज बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ गया। अगर आप उसकी सपोर्ट करें तो वो ना नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आप जैसे चट्टान की जरूरत है। और अगर आप कहें तो मैं आप दोनों की एक खूबसूरत सी मीटिंग आप ही के प्राइवेट फार्म हाउस पे अरेंज कर दूं। नहीं अस्कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम विलास राज से मिलने खुद जाएंगे। जब से उसने प्रजासत्ताक का साम्राज्य संभाल लिया है, हमने उसे बधाई तक नहीं दी, और अब हम उसे बधाई देने खुद प्रजासत्ताक के दफ्तर जाएंगे। यस सर, आपसे मिलने दिव्य मोहन जी आए हुए हैं। कह दो मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। ओके सर। विलास बाबू, आप हमसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन हम तो आपसे मिलना चाहते हैं। हम ठहरे जनता के सेवक। ये सेवक जो है ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसे कहीं आने जाने में कोई परहेज नहीं है। हमसे रहा नहीं गया तो मिलने चले आए आपसे। मुझसे मिलने? भाई बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जब हमने आपकी ये मनहूस खबर पढ़ी, मेरा मतलब है आपकी मौत की खबर, तो साफ सदमा हुआ, बहुत सदमा हुआ। उस सदमे से हम संभल भी नहीं पाए थे कि अखबार में आपके जिंदा होने की खबर फिर पड़ी। डीएम साहब, मेरे मरने की खबर सुनकर आपको दुख हुआ? हुआ। विलास जी, लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। भूल गए? एक जमाने में हम यार दोस्त हुआ करते थे। मैं उन दिनों को कैसे भुला सकता हूं डीएम साहब? उन्हीं की वजह से तो मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। स्वर्ग नर्क, ये मानने या ना मानने की बातें हैं। स्वर्ग किसने देखा है, नर्क किसने जाना है? स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता। अगर आज कुछ है तो वो है सत्ता, पावर, जो आज तुम्हारे पास है। और अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। मुझे तो पता चल ही गया है कि मैं क्या हूं, मगर अब आपको जानना है कि मैं क्या हूं। डीएम सब कुछ जानता है, इसलिए आज वो डीएम है। आप सोचते हैं कि आप सब जानते हैं, और वही आपकी भूल है। खैर, अब ये बताइए कि आप आज यहां क्यों आए हैं? भाई विलास, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम्हें कुर्सी पर बैठे हुए इतने कम दिन हुए हैं, मगर तुम इतने तैयार हो गए हो कि अकेले प्रजासत्ताक संभाल रहे हो। भाई बहुत बहुत बधाई हो। डीएम साहब, आप हमें बधाई देते जा रहे हैं, मगर अफसोस आपकी बधाई हम तक पहुंच नहीं रही। हमें आपकी बधाई की जरूरत नहीं है। मेरे प्रजासत्ताक के मालिक बन जाने से प्रजासत्ताक का आपकी तरफ का रवैया बदलने वाला नहीं है। नहीं विलास, नहीं। हम मानते हैं कि देश रतन खानदान और हम में मुद्दों को लेकर अक्सर अनबन हुई है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम कोई जाति दुश्मन हैं। डीएम साहब, मैं आपकी दोस्ती और आपकी दुश्मनी दोनों को अच्छी तरह से समझता हूं। विलास, हम जानते हैं कि तुम हमारे साथ गुजरे हुए दिन भुला नहीं पाए हो, इसीलिए दुश्मनी की बात कर रहे हो। मगर सच बताएं, जब हमने ये पढ़ा कि तुम प्रजासत्ता के मालिक बन गए हो, तो हमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। पहली बार हमें लगा कि सही आदमी के हाथ सही हथियार आया है। देखो विलास,
अगर हम और तुम चाहें ना तो इस समाज का ढांचा बदल सकते हैं। तुम तो जानते हो कि हम राज करना चाहते हैं, और राज करना कौन नहीं चाहता भाई। आजकल हमारे प्रांत में भीड़ बढ़ती जा रही है और हमें चाहिए इस भीड़ को हांकने वाली लाठी, और वो हथियार तुम्हारे पास है। अगर वो हथियार तुम हमारे लिए इस्तेमाल करोगे तो हमारे साथ साथ तुम भी राज करोगे। डीएम साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आगे कहिए। समझ गए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर मिला लो हाथ। तुम्हें भी हमारी जरूरत है और हमें भी तुम्हारी जरूरत है। आपको मेरी जरूरत है ये बात मैं मानता हूं, मगर मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी मदद खुद करूंगा। सोच लो विलास, हम मानते हैं कि तुम बहुत ही बड़े अखबार के मालिक हो, लेकिन डीएम भी कोई मामूली हस्ती नहीं है। सोच लिया, और आपको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि प्रजासत्ताक की ताकत क्या है। देखो भाई, मैं तो पिछली बातें भूल गया हूं, तुम भी भूल जाओ। लो, हमारी दोस्ती का ये बीड़ा उठाओ, खाओ। दिव्य मोहन साहब, आपकी और प्रजासत्ता की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, इसलिए इस उम्मीद को अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। विलास, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जाने से पहले हम कुछ कहना चाहेंगे। डीएम को खुद पता नहीं कि वो दोस्त कैसा है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि वो दुश्मन बहुत बुरा है, बहुत बुरा दुश्मन है, याद रखना। क्या हुआ? मैंने अभी अभी डीएम को यहाँ देखा। डीएम को यहाँ? यहाँ मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे विलास जी के केबिन के पास। ओ, इसका मतलब एक बार फिर डीएम और विलास भैया का मिलना जुलना शुरू हो गया है, यानी अब वो डीएम के खिलाफ कुछ भी नहीं छापेंगे प्रजासत्ताक में। कोई बात नहीं आबा, कुछ ही महीनों की बात है फिर हम प्रजासत्ताक को डीएम के चंगुल से छुड़ा लेंगे, और विलास भैया भी समझ जाएंगे कि ऐसे लोगों का साथ देने से क्या सिला मिलता है। योगेश, बाहर निकलते वक्त डीएम की जो शक्ल थी वो दोस्तों वाली नहीं थी। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, और वो जाते जाते जोर से दरवाजा बंद करते हुए गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, यानी प्रजासत्ताक डीएम के चंगुल में आते आते रह गया। आज डीएम साहब तुमसे मिलने आए थे, इस तरह से क्या देख रहे हो विलास, जैसे कि पूछना चाहते हो कि मुझे कैसे मालूम पड़ा। विलास, जो कुछ भी करते हो तुम, जहां भी जाते हो उसकी पूरी जानकारी मेरे पास पहुंच जाती है। अब तक मुझ पर जासूसी करते हो तो नहीं, नहीं। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, फिक्र। बोलो, डीएम साहब आए थे ना? जब तुम्हें मेरे बारे में पूरी जानकारी होती है तो ये पूछते ही क्यों? नहीं, मुझे जितनी जानकारी है ना विराज, वो काफी नहीं है। जितना तुम जानते हो उसकी एक अलग सी अहमियत है। और हाँ, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि ये सब मैं तुम पर नजर रखने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे तहे दिल से तुम्हारी फिक्र है। क्यों करते हो?
आखिर तुम मेरी फिक्र क्यों करते हो? क्या लगते हो तुम मेरे? इस सवाल का जवाब देना मेरे बस में नहीं है विलास। इस सवाल का जवाब सिर्फ सिद्धि देवी जी ही दे सकती है जब वो फौरन से लौट आए। हाँ बोलो, अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या कह रहे थे डीएम साहब? पता नहीं क्या चाहता है वो। मेरे मना करने पर भी मेरी कैबिन में घुसा है वो, उस कैबिन में जहां मैं और किसी को नहीं मिलता। क्या कह रहे थे डीएम साहब? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, दोस्ती। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या है, डीएम से मेरी दुश्मनी है और वो दुश्मनी मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। डीएम को मैं दिखाऊंगा कि दोस्ती और दुश्मनी में क्या फर्क है। तुम्हें क्या लगता है विलास, वो तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए आया था? पता नहीं, उसकी तो दोस्ती में भी मुझे सौदे की बू आ रही थी। तो तुम्हें कर लेना चाहिए था ये दोस्ती का सौदा। कैसे बात करते हो, डीएम जैसे घटिया आदमी से मैं हाथ मिलाऊं? क्यों, मुझे क्या जरूरत है? जरूरत है विलास। क्या तुम्हें अपना इंतकाम लेना है? डीएम से दोस्ती करके मैं इंतकाम कैसे ले सकता हूं? देखो, पहले दुश्मन को गले लगाया जाता है, फिर गला काटने में दिक्कत नहीं होती। डीएम को तबाह करने के लिए दोस्ती का हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं राघव, ये इतना आसान नहीं है। डीएम तो एक लोमड़ी की तरह है, उसे हम ऐसे धोखा नहीं दे सकते। विलास, तुम भी क्या किसी से कम हो? मेरी बात पर गौर करो, आज तो तुमने एक सुनहरा मौका हाथ से जाने दिया, लेकिन लेकिन ऐसा मौका दोबारा आएगा, उसे खोना नहीं। अब डीएम पहले हमारा दोस्त है, उसके बाद दुश्मन। अब डीएम से दोस्ती होगी सिर्फ दुश्मनी के लिए, ख्याल रखो। मंथन, आज ऑफिस में बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हुआ? आज डीएम ऑफिस में आया था। क्या? डीएम हमारे ऑफिस? हाँ। लेकिन क्यों? तुमसे मिले? नहीं मंथन, वो विलास भैया से मिलने आए थे। विलास से मिलने? तुम्हारा आना सामना हुआ? नहीं, आभा ने उन्हें वापस जाते हुए देखा तो उसी ने मुझे खबर दी। विलास जी से डीएम मिलने आए, उनका इरादा क्या होगा? पता नहीं, ये तो अंदाजा नहीं लगा सकता मैं। पता लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम कैसे पता करोगे? अरे जासूसी में हमारा हाथ कौन पकड़ सका है, कोई ना कोई गुल खिलाएंगे। लेकिन मंथन, तुम्हें काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ ये तो है, क्योंकि विलास जी के मकसद में अगर डीएम ने उनका साथ दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे कैसे पता नहीं चला, मैं तो उस समय ऑफिस में ही था। नहीं, तुम उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। योगेश जी, बा डीएम हमारे ऑफिस आए थे विलास से मिलने? हाँ बा। विलास ही क्या कर रहा है? ये तो वही जाने बा। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो और बहुत कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ और अब ये हो रहा है। और इस होनी को ना आप टाल सकती हैं ना डैड, क्योंकि विलास भैया ऐसे ही थे और ऐसे ही हैं। ये ठीक नहीं। ठीक तो और बहुत कुछ नहीं है, मगर क्या करें। मैं उससे बात करूंगी।